तो चलिए, पिछले वीडियो में कक्षा 12वीं के बच्चों ने देखा है कि मैंने कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर साझेदारी फर्मों का लेखांकन पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आपको साझेदारी का अर्थ बताया था और लाभ हानि खाता कैसे बनता है उसका प्रारूप बता करके दो क्वेश्चन आपको मैंने दिया था, और यही दो क्वेश्चन मैंने बनाया भी था जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने। लाइन खींच करके, कॉलम तैयार करके, एक एक मदों को लिख करके, जोड़ घटाव करके, ब्याज पूंजी पर लाभ हानि हमने निकाला था। फिर ये तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बनाने को दिया था और कहा था इसका जो आंसर आता है लास्ट में लाभ हानि का, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो किसी बच्चों ने बनाया नहीं है इसका मतलब, किसी बच्चों ने बनाया नहीं है मतलब वही है कि देखे हैं वीडियो पर बच्चों ने बनाया नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप शुरू से वीडियो को देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगर आपको कोई दिया जाता है तो आपको इसको बना करके देखना है, बनाना है, बना करके देखना है और आंसर भेजना है। इससे तो पता चलेगा ना आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे होते तो एक समझा करके एक बनाने को दिया जाता, तब तो वहाँ आप बनाते ना। तो इसको वही समझो, कोचिंग ही समझो। ऐसा नहीं कि फ़ोन में हम भगा उगा के कहीं से भी देख ले। वीडियो को पहली आदत ये आपकी होनी चाहिए कि वीडियो को पूरा देखो, शुरू से देखो, बिना भगाए देखो। जब क्वेश्चन बनाया जा रहा है और अगर आपके टीचर ने कहा कि आप ही पेन कॉपी लेके मेरे साथ बनाओ, तो आपको भी एक पेन कॉपी निकाल के बैठना है। पेन कॉपी नहीं है तो एक पन्ना तो एटलीस्ट होगा ना, ऐसे पन्ने तो होंगे आपके पास, कोई भी एक पन्ना निकालो, वहाँ पर बनाने भिड़ जाओ। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है। तो आज हम बनाएंगे क्वेश्चन, और कल आपने लाभ हानि खाता सीखा था, आज हम आपको पूंजी खाता भी सिखाएंगे लाभ हानि खाते के साथ साथ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम देते हैं और साथ ही साथ आपको सिखाएंगे लाभ हानि और पूंजी खाते बनाना। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है क्वेश्चन कैसे दिया गया है ना, सब कुछ डिपेंड है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे आ रहा है उसके हिसाब से आपको लिखना होता है। तो देख लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं मैंने क्वेश्चन लिखा कि ए बी सी, ठीक है, जो 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। ठीक है, इनकी पूंजी क्रमशः 6,000, 4,000, 2,000 रुपये है। ठीक है, पूंजी पर जो ब्याज है वो 5% वार्षिक है। ठीक है, वेतन सी को 1,000 रुपये वार्षिक दिया जाएगा और पारिश्रमिक बी को 500 रुपये वार्षिक दिया जाएगा। फर्म में तीनों ने क्रमशः 800, 700, 500 का आहरण किया। ठीक है, यदि वर्ष का लाभ 4,500 रुपये है तथा आहरण पर ब्याज 300, 200, 100 रुपये है, तो साझेदारों का लाभ हानि खाता व पूंजी खाता तैयार कीजिए। ठीक, ये आपको मिला। तो जिस क्वेश्चन में लाभ हानि पूंजी खाता सब बनाने को दिया जाएगा उसमें लास्ट में बताया जाता है कि पूंजी खाता भी तैयार कीजिए, इससे आपको पहचानना है कि यहाँ पर क्या क्या करना है। ठीक है, अब जब आपने ये सीखा, आप समझ लिया कि इसमें क्या क्या बनाने हैं, तो बस
ध्यान से ये देखा करो एग्जाम में कि क्वेश्चन में किन व्यक्तियों का नाम है, उनका लाभ हानि अनुपात क्या है, उनकी पूंजी कितनी है, पूंजी पर ब्याज किस दर से निकालना है, वेतन कमीशन किनको मिलना है, आहरण किया है कि नहीं, आहरण पर ब्याज है कि नहीं, और साथ ही साथ लाभ कितना है, ये आपको जानना होता है। जब आपको ये सब चीज़ क्लियर पता है तो बस आपके पास स्केल होना चाहिए। स्केल में हमें कॉलम तैयार करना है। अब मैं ढूंढता हूँ स्केल, कहाँ है भैया स्केल? लो स्केल को तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, कहाँ कर दिया हमने। अयो जी स्केल जी, तुम कहाँ चले गए? ठीक, तो स्केल मिल चुका है, यहीं पर ही था पर दिखाई नहीं देता। ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि ये होता तो है पर दिखाई नहीं देता, होता है कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना कि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे पेन स्केल सब आपके पास रखे हुए हैं, तो अधिकतर ये एक ही चीज़ है जो गायब हो जाता है या पास होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। ठीक, देखो हम बना रहे हैं सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक, 2018 से पहले केवल इसको लाभ हानि खाता बोलते थे, अब लाभ हानि नियोजन खाता भी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, चलो अब जो हम बना रहे थे कल, हम वही तैयार करेंगे। इस तरह से लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे, ये कुछ ज़्यादा गैप हो गया होगा तो आप थोड़ा कम गैप देंगे, और बस एक छोटा सा लाइन खींचना है, बहुत बड़ा नहीं, इस तरह से। ठीक, ये विवरण के लिए जगह हो गया, मिलाते रहना, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राशि भी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से। और ये आपका ठीक हो जाता है, पेन बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, पेन की मतलब जो स्याही है उसको आप थोड़ा पोंछते रहिएगा वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, एक्सपोजर लॉक है, अभी झिलमिल झिलमिल सितारों का आंगन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। आप पूंजी पर ब्याज वगैरह निकालना है तो आपके पास एक ऐसा खाली पेज होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, पूंजी है इनका 6,000, 4,000 और 2,000, 5%। तो देखो 5% निकालने का सिंपल तरीका ये है, किसी भी चीज़ का अगर 5% निकालना है तो क्या करो, पहले लास्ट संख्या पर उंगली रख दो ऐसे, जैसे लास्ट संख्या 0 है, एक गायब कर दिया इसको, अभी कितना है 600 है, तो गायब करने के बाद जितना दिखेगा उसका हाफ कर दो, तो 600 का हाफ कितना होगा, 300 होगा, तो ये 6,000 का 5% है, यकीन नहीं होता तो निकाल के देखो, निकालना ऐसे होता है, 6,000 बटे 5 बटे 100, गुणित 6,000 गुणित 5 बटे 100, तो 2 0 से 2 0 काटे, 5 0 शून्य और 5 6 30, देखो 300 निकल गया। ठीक, तो ये मेथड बहुत सरल है। देखो अब 4,000 का निकालना है ना, तो एक लास्ट में गायब करो तो अभी 400 है, 400 का हाफ कर दो तो 200 निकलेगा। ठीक है, 2,000 है, 2,000 का गैप करोगे 200, 200 का आधा 100 होता है, तो 300, 100, 200, ये आपका 3,200, 100 आपका ये पूंजी पर ब्याज है। तो हम यहाँ पर पहले लिख ले विवरण, जिसको इंग्लिश में आपको पर्टिकुलर कहना है, अमाउंट बोलना है इसको, है ना, मतलब राशि लिखना था, अब गलती से अब लिखा आ गया, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, विवरण राशि, विवरण राशि आपको लिखना है, और आपको लिखना है साझेदारों के पूंजी पर ब्याज। और पूंजी पर ब्याज आपको पता है तीनों व्यक्ति का अलग अलग निकला है, ए बी सी का, 300, 200, 100, कुल मिला के 600 हुआ, तो आप सीधा यहाँ 600 लिख सकते हैं, ये यहाँ भी ऐसे नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वेतन मिलना है सी को वार्षिक 1,000 रुपये, किसको मिलना है सी को, सी को वेतन। ठीक है, वार्षिक है तो 12 का गुणा मत करना, कल प्रति माह था इसलिए हमने 12 का गुणा किया था, वार्षिक में जितना अमाउंट दिया जाता है बस उसको लिखना होता है, ये याद रखना, इसलिए थोड़ा अलग क्वेश्चन दिया हूँ ताकि कन्फ्यूजन दूर हो आपका। ठीक है, वैसे ही बी को पारिश्रमिक दिया जाएगा वार्षिक 500, तो पारिश्रमिक इसको मिलना है बी को कितना रुपये, 500 रुपये, तो ये 500 रुपये लिख देंगे। ठीक है, और आहरण को नहीं लिखते, मैंने बताया था आहरण पर ब्याज को लिखते हैं वो भी इधर, तो पहले लिखते हैं शुद्ध लाभ, तो वर्ष का शुद्ध लाभ जो है वो है
4500, लाभ कितना है 4500, तो ये लिख दिया 4500। आरण पर ब्याज आपको दिया है 300, 200, 100, उसी को आप लिखेंगे। ए बी सी का 300, 200, 100 कुल मिलाकर के बच्चों ये होगा 600। ठीक, अब ध्यान से देख लो, पहले पूंजी पर ब्याज निकालना होता है जो आपको यहाँ दिया है, उसके बाद वेतन कमीशन अगर किसी को दिए जाना है तो उनको लिखते हैं, फिर इस तरफ शुद्ध लाभ और आहरण पर ब्याज को लिखते हैं, इसके बाद और कुछ एंट्री नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, तो अब हम जोड़ घटाव करेंगे, तो जोड़ घटाव के लिए फिर आपके पास एक ऐसा पेन कॉपी होना चाहिए, पन्ना होना चाहिए। तो देखो जोड़ेंगे तो ये दोनों मिला करके हो जाएगा 5100, तो ज़्यादा अमाउंट है 5100, उसमें से ये घटाना है तो ये हो जाएगा आपका 2100। 600 और 500 1100 होगा, 1100 में 1000 जोड़ेंगे तो 2100 हो जाएगा, ये हो रहा है आपका 5100। 2100 5100 को घटाना है, काम हम यही करेंगे। ये 3000 बचेगा, 3000 को इनके लाभ हानि में बाद में बांटना है, जो कि 3 2 1 है, तो 3 2 1, तो पहले व्यक्ति को जब 3000 बांटेंगे तो उसका हिस्सा है 3, और 3 2 1 मतलब सबको जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6, तो बट्टे में आएगा 6, ऐसे 3 1 3, 3 2 6, तो 2 3000 को 2 से काटूंगा तो आएगा वो 1500। ठीक है, अब बी का निकालूंगा तो फिर से 3000, बी का हिस्सा है 2 बट्टे 6, बी का हिस्सा है 2 बट्टे, तो सबका योग में 6 आएगा, इसलिए 6 लिखना है, तो 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3 और 0 0 0 मतलब 1000। अब 3000 में 1500 ले लिया कि 1000 ले लिया, तो अब अगले के लिए कितना बचा, केवल 500 बचा, सिंपल सी बात है, तो दोनों मिला के 3000 हो जाएंगे, तो 1500, 1000 और 500, तो हम लिखेंगे लाभ हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। ठीक है, तो कितना था 3000 रुपये, तो ये हमने 3000 रुपये लिख दिया। अब थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा तो हम बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले से बहुत लंबा नहीं खींचना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बहुत छोटे होने के कारण जल्दी बन जाते हैं और एक्स्ट्रा कुछ पेज हो जाता है ना, इसलिए बस उसको ध्यान में रख करके इसको बढ़ाना नहीं है। अब देखो बच्चों, ज़्यादा अमाउंट है आपका 5100, तो उसी को ऐसे दो लाइन खींच के बैलेंस करते हैं 5100। ठीक, बैलेंस हो गया, अब इसको बांटना है ए बी सी को, तो आपको पता चल गया एक को 1500, एक को 1000, एक को 500 है। ठीक, ऐसे बनाना है, तो पूंजी पर ब्याज निकालना सीख गया 5%, वेतन कमीशन वार्षिक है उसको लिखना बस है, शुद्ध लाभ को भी लिखना है, आरण पर ब्याज को भी लिखना है, अब बस दोनों को जोड़ घटाव करना है, इस अमाउंट को फिर इनके पूंजी के अनुपात में बांटना है, जो कि 3 2 1 के अनुपात में था। ठीक, अब बनाना है पूंजी खाता, तो वो कैसे बनता है उसके लिए ध्यान दो कॉलम को, तीन व्यक्ति है तो तीनों व्यक्ति के नाम से राशि बनता है, तो विवरण राशि यही होगा, लेकिन कॉलम बहुत ज़्यादा होगा, तो देख लो ध्यान से, मैं एक लाइन खींच के आपको बताता हूँ। ठीक, लास्ट से ऐसे खींचते आना कुछ यूं। ठीक, बहुत बड़ा बड़ा नहीं खींचना है, ये तीन व्यक्ति है तो तीनों के नाम से राशि होना चाहिए ए बी सी। ठीक, विवरण के लिए ऐसे जगह छोड़ दो, अब फिर से आपको ऐसे खींचना है ए बी और सी, ए बी सी। ठीक है, चलिए अब इसको हम बोलते हैं साझे तारों का पूंजी खाता,
तो पेन देखो। हाँ, तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे पूंजी को, और पूंजी आप देखिए 6,000, 4,000, 2,000 जिस पर हमने ब्याज निकाला था उसी की बारी। तो इस पक्ष को हम बोलते हैं डेबिट साइड और इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, केवल उनको लिखते हैं जो आहरण की राशि होती है या आहरण पर ब्याज की राशि होती है, और क्रेडिट साइड में आपको लिखना है पूंजी, वेतन, कमीशन या लाभ जो इनको मिलना है। तो सबसे पहले पूंजी को लिखते हैं शेष लाया गया बोल करके, और आपको याद रख लेना है कि इंग्लिश में बनाएंगे तो इसको टू बैलेंस बाय बैलेंस करके आप लिखेंगे। अब पहले व्यक्ति के में लिखेंगे 6,000, दूसरे व्यक्ति के में लिखेंगे 4,000, तीसरे व्यक्ति के में लिखेंगे 2,000 रुपये जो इनकी पूंजी थी। पूंजी पर ब्याज हमने निकाला है 300, 200, 100, उनको लिखेंगे। तो अब जो भी लिखना है ना वो सब आपको लाभ हानि में दिखेगा, उसी को उतारना बस है। तो जो डेबिट साइड है उसको क्रेडिट में उतारना है, और जो क्रेडिट में उसको डेबिट में उतारना है। तो इसके बाद हम लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, तो आप लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज जो कि है 300, 200 और 100। अब बस पूंजी पर ब्याज हो गया, तो वेतन कमीशन जिनको मिलना है उसको लिख देते हैं। तो सी को मिला 1,000 और बी को मिला है 500, तो सी के में लिख देते हैं 1,000 ये, और लिखेंगे वेतन। एक को मिला है पारिश्रमिक, तो ये पारिश्रमिक मैं लिख रहा हूँ, पारिश्रमिक में मात्रा छोड़ गया। पारिश्रमिक किसको मिलना है, बी को मिलना है शायद, हाँ बी को 500 रुपये, तो बी के में लिख लेंगे 500 रुपये। जिनको कुछ नहीं मिलना उनके में आप ऐसे डेस करके छोड़ सकते हैं, ठीक है समझने के लिए। अब लाभ हुआ इनको 1,500, 1,000 और 500, उसको लिखेंगे लाभ हानि खाता को 1,500, 1,000, 500, ठीक। इसके बाद इस तरफ मैंने बोला केवल आहरण और आहरण पर ब्याज। तो आहरण जो हुआ है वो है इनका 800, 700, 500, तो लिखेंगे 800, 700, 500, और ब्याज तो वही है जो पूंजी पर ब्याज था 300, 200, 100, तो आप लिखेंगे आहरण पर ब्याज 300, 200, 100, ठीक। तो इस तरह से पूंजी खाता बनता है, पहले पूंजी को लिखना है, फिर पूंजी पर ब्याज, फिर वेतन कमीशन, फिर लाभ हानि। हाँ, अगर ये हानि हुआ होता तो इधर लिखे रहते तो इनको डेबिट में उतारना है, और हमेशा इधर होगा तो लाभ है तो लाभ का को क्रेडिट में लिखना है। आहरण पर ब्याज इधर रहेगा और आहरण रहेगा बस। इसके बाद सबको जोड़ के घटा देना है और आपका फाइनल बैलेंस निकल जाता है। तो बस इतना सही काम है लाभ पूंजी खाते में। तो देखा आपने कितना इजी है पूंजी खाता। अब जोड़ घटाव आप कर लेंगे, 6,300 और ये 1,500 है तो 7,800 हो गया। तो ये मैं लास्ट में लिख देता हूँ 7,800। अब उसमें से क्या करना होता है, एक समाकलन पक्ष का योग इतना है, विकलन पक्ष के योग को इसमें घटा देना है। तो ये हो रहा है आपका 1,100, 7,800 में 1,100 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 6,700। तो आपको लिखना है शेष ले गए 6,700, ठीक। ये वाला पक्ष आपका हो रहा है 4 और 1 5,700, 5,700 उसमें से 900 घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 8,800, सॉरी 4,800 बस। ये लास्ट बचा हमारा 2,000, 3,600, 3,600 में 600 घटाएंगे तो 3,000 का बैलेंस निकलेगा। ये हमने उसको लिख लिया शेष ले गए में, इस तरह से तीनों का लिखना होता है, ये 3,600, ठीक कंप्लीट। यही अमाउंट आपको यहाँ पर भी लिख देना है। अब बाकी सीखते हैं कल।